नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इस वक्त देश के रक्षा मंत्री सेहत ऐप की लॉन्चिंग के वक्त बोल रहे हैं, सुनते हैं उनका संबोधन। फ्यूचरिस्टिक पोर्टल को देखते हुए एक दो बातें मेरे मन में आई जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात जिस पर शायद आप लोग विचार भी कर रहे हैं कि इस पोर्टल से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी जोड़ा जाए, इससे इसकी व्यापकता बढ़ेगी और हमारे सर्विस पर्सनल को अधिक सुविधा मिलेगी। दूसरी बात कि क्या हम दवाइयों की होम डिलीवरी के बारे में भी सोच सकते हैं, उम्र अधिक होने के कारण या फिर डिस्पेंसरी दूर होने के कारण हमारे कुछ वेटरन्स वो समस्याएं स्वाभाविक रूप से रहती ही होंगी। ऐसे में पेशेंट के खर्चे पर ही सही, पर क्या हम इस सुविधा के बारे में एक बार गंभीरतापूर्वक विचार कर सकते हैं? मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। या इसी तरीके के और कुछ विचार जो आप लोगों के मन में भी आते हों उसे भी साझा करें और साथ ही लाभार्थियों से भी फीडबैक लें और उनसे सुझाव मांगें कि हम इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि बराबर किसी भी सिस्टम में कुछ न कुछ बेहतर करने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। इस तरह आने वाले समय में इन सुझावों के आधार पर हम इसे और भी बेहतर बना पाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं मंत्रालय की ओर से इसमें हर संभव सहयोग के लिए आपको आश्वस्त करता हूं। और इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं जनरल माधुरी करिटकर की पूरी टीम, डीएमए, डीजी आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, सीडीएसई मोहाली, सीडैक मोहाली और उन सभी को हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इस पोर्टल के औपचारिक लोकार्पण की घोषणा करते हुए और साथ ही इसकी सफलता की कामना करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए भी अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पोर्टल से तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को जोड़ा जाएगा। थोड़ी देर में इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा, सेहत ऐप इसका नाम रखा गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त सेहत ऐप को लॉन्च कर रहे हैं। तो सुरक्षा बलों और उनके परिजनों को इस ऐप से काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि इस ऐप से तमाम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको जोड़ा जाएगा। सेहत मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेहत ऐप को लॉन्च कर रहे हैं। रक्षा मंत्री जी, मैं आपको पूरा भरोसा देती हूँ और आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उस पर हम जरूर गौर करेंगे और इसी को आगे स्पेशलिस्ट ओपीडी और मेडिसिन घर पहुंचाने के ऊपर गौर करके हम इसमें एडिशनल फैसिलिटी की तरफ ले आएंगे। तो सुरक्षा बलों और उनके परिजनों को खासा फायदा पहुंचेगा और उनकी मदद के लिए एक बड़ा कदम, डॉक्टरी सलाह ताकि वक्त पर दी जा सके। और यही वजह है कि तमाम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको इस ऐप से कनेक्ट किया गया है और आज इसी पोर्टल से की लॉन्चिंग के वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।